चिकन मटन तो बहुत देखे और सांवर का वीडियो देखिए आपका भाई का। फर्स्ट ऑर्डर बनाएंगे, अब गर्म हो गया है, आज बनाएंगे घी में बनाते हैं। देखिए इसका हरापन मिट गया है, इसमें डालते हैं दाल, वाले सब टेक्निक है। देखिए आपका भाई सांभर बना रहा हूँ अपने तरीकों से, अच्छा जो बुना गया है। अब इसमें डालते हैं पानी और जीरा। आज देख सांभर बन के रेडी हो गया, देखिए बहुत ही मस्त बना जी, अब बराबर बना कर खाएंगे। वाओ, तो सब्सक्राइबर भैया है मेरा, रोज वीडियो कहाँ से घूम कर आए, चौरे से घूम के 5 मिनट घूम के आए, मेरा गाड़ी स्प्राइट। नमस्कार भाई लोग, कैसे आप सभी, आप सभी भाइयों को हमारे लोगों को फिर से स्वागत है। और आपका भाई है संभाजी नगर में, कल गाड़ी का ड्यू हुआ नहीं, लूडी फूडी कुछ नहीं हुआ, क्या बोले परेशान है, मेरा मन बेहाल है, क्या करे, अब ऐसे झेलना पड़ेगा क्योंकि एक डेढ़ महीना कच्चा माल चला दबा कर, अभी टाइम बच गया सुबह का 11। चलिए क्या करें, बैठे बैठे कोई काम वम है नहीं, तो आज बनाते हैं नया रेसिपी। एक फौजी सर है वो कमेंट किए से आप एक बार सांभर बनाइए, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए आज सर के डिमांड पे बनाते हैं सांभर। हेलो हेलो, आपका भाई खाना बना रहे थे, एक भाई आ गए, ये इसको मत काटो, सुरेंद्र इसी पे बांध दीजिए, चलो इसको बनवा लेते हैं, पूरा नया हो जाएगा। ये वाला देखिए खराब हो गया, पुराना हो गया, इसको फेंक देते हैं। ये दिखेगा, ये दिखेगा, हाँ देखता हूँ कैसा बांधते हैं आप, तो टाइट बांधिएगा। स्टेरिंग बना गया, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है भाई, चमक रहा है छमिया की तरह। क्या रुपया हुआ भाई, सुबह से मेरा बोन ही नहीं हुआ, चलो बांध दो यार, तुम भी यार धूम में घूम रहे हो, 2 रुपया कमा लो। चलिए स्टेरिंग बनवा लिए, 140 रुपया दिए, 10 रुपया बेसी दे दिए, और भाई साहब काम अच्छा से किया है मेरा मन पसंद से, चलो जाके चाय पानी पी लेना यार। चलिए पहले दाल को रखते हैं पानी में थोड़ा 10 मिनट के लिए। ए कौन दाल है जी, नाम भूल जाते हैं, ये दाल है अरहर की दाल, दाल डालना जरूरी है। तो आज आपका भाई बना रहा है सांभर, चलिए इसको डाले पानी, ये गया पानी में फूलने के लिए 10 मिनट के लिए। कड़ी पत्ता सूख गया था धूम में, डाल दिया पानी, अब ठीक हो गया, टूट रहा था, ये सब है बिहारी बुद्धि। और धनिया पत्ता पूरा एकदम टाइट हो गया था, ऐसा ना धूप है। और देखिए इसमें डालेंगे हम क्या क्या, देखिए सजना सोजन, ये घिया, ये छोटा सा मिल गया मुझे, और ये है मीडियम में काटेंगे, छोटा ना 12 मीडियम में। चलिए देखिए आपका भाई कैसे काट रहा हूँ, चलो इसको छिलते हैं पहले, अरे मज्जू है, सब्जी को छिल लिया हूँ, चलो इसको काटते हैं मोटा मोटा। ये देखिए मूंगा सजना, इसको काटेंगे मोटा मोटा, देखिए ये साइज रहेगा। ये है क्या घिया, इसको क्या बोलता है हम लोग बिहार में बोलते हैं इसको झुंगनी झुंगनी झुंगनी। बनाने का प्रक्रिया शुरू करते हैं, कौन फोन किया जी, 3 बार खाली फोन बजता रहता है। चलिए अब बनाते हैं सांभर, देखिए आपका भाई कैसे बनाता हूँ, वीडियो देखे थे सांभर कैसे बनता है, फर्स्ट बार कभी बनाया नहीं हूँ, इतना ना उसमें हेन तेन दुनियादारी बता रहा था, दिमाग हो गया खराब। चलिए अपने बनाते हैं, जैसे मुझे समझ में आता है उसी बनाते हैं, देखते कैसा बनता है। देखिए गर्म हो गया है, आज बनाएंगे घी में बनाते हैं, देखिए ये गया घी, आज घी में सांभर बना, देखते कैसा बनता है, मस्त बनेगा। ये गया हींग गया, फिर बाद में तड़का लगाएंगे उसमें भी हींग डालेंगे, अभी कम दिया हूँ। और दूसरा नंबर में डालता हूँ क्या, ये जीरा ना, पहले डालता हूँ सरसों, एक पीला वाला सरसों है, सरसों गया, ये गया जीरा, इसमें डालते हैं, ये गया एक कड़ी पत्ता, डाले भी नहीं किए, ये देखिए हम भी भूल जाते हैं जी, कड़ी पत्ता कर लेते आए थे बाजार से, कड़ी पत्ता गया। अब डालते हैं लहसुन,
और देखिए प्याज मैं कैसे काटा हूँ, एक प्याज के चार खुंडी, वैसे में ही नहीं करना है। एक प्याज पहले इसको प्याज को थोड़ा भूनते हैं, उसके बाद डालेंगे सब्जी। देखिए लौकी, घिया, सजना, आलू, चार सब्जी दिया हूँ। कुकरे में बना लेंगे, बेसी हड़िया बर्तन को उलझाएंगे नहीं, वैसे इसी में सब बना लेंगे। देखिए कैसे बनाता हूँ, आज फर्स्ट बार आपका भाई बना रहा है। प्याज पूरा फ्राई हो गया है, अब इसमें डालते हैं सब्जी को, वेजिटेबल। देखिए ये गया मूंगा, सजना, इसको थोड़ा देर भूनते हैं सजना को, और सब्जी का थोड़ा भून के ना इसका हरापन मिटा देंगे। ये गया लौकी, देखिए इसको मैं कैसे काटा हूँ, बड़ी बड़ी काटा हूँ। गल के इतना सा हो जाएगा, समझ नहीं, ये लौकी भी गलेगा और ये झूनी भी गल के इतना सा हो जाएगा, इसलिए आपको इसमें अभी बेसी दिख रहा है। चलिए इसको लाल करके भूनते हैं, इसको ना हरापन को मिटाते हैं, नहीं तो खाने मजा नहीं आएगा, इसका हरापन है, इसको जला देते हैं। देखिए टमाटर है पांच गो, टमाटर डालेंगे रेल के, क्योंकि खट्टा मुझे करना है, अपने पास इमली नहीं है, टमाटर से खट्टा कर देंगे। सब्जी हल्का गल गया है, थोड़ा भुना भी गया है, चलिए इसमें डालते हैं टमाटर को, पांच टमाटर दिया हूँ खट्टा के लिए। देखिए ये गया टमाटर, एगो नीचे गिर गया, ये भी डाल दिए। चलिए तो टमाटर को गलाते हैं, उसके बाद डालेंगे दाल, भून दिया हूँ, देखिए पूरा गल गया है, इसका ना हरापन मिट गया है। चलिए इसमें डालते हैं दाल, वाले सब टेक्निक है अच्छा बनाना, इसको हरापन मिटा दीजिए, और देखिए सब्जी बहुत सुंदर बनेगा। देखिए ये गया दाल, पानी में भिगा दिया हूँ आधा घंटा, देखिए फूल गया है, लास्ट में डाल गया। ये गया नमक, नमक थोड़ा ज़्यादा है, कम डालेंगे। देखिए ये गया हल्दी, अपने पास इमली नहीं है तो क्या डाले, क्या डाले, डालेंगे आम की अचार, खट्टा हो जाएगा। देखिए सांभर मसाला नहीं लाए, कोई बात नहीं, ऐसे आपका भाई देखिए एकदम अच्छा बना दूंगा, टेस्टी, कलर से आपको मालूम चलेगा कैसा बना है। कभी बनाया नहीं हूँ, बाकी मेरे मुझे नॉलेज है कैसे बनेगा। आम की तरह भाई, आम का अचार, देखिए इसमें आम का अचार है, गाँव से लेके आए थे, तीन को दे रहा हूँ, खट्टा हो जाएगा, खाने में अच्छा लगेगा सांभर। वाह मस्त खुशबू आ रही है भैया जी, घी डाल दिए है ना, लास्ट में गया है धनिया पत्ता, और इसमें डालते हैं पानी, ना पहले इसको थोड़ा सा भूनते हैं, हल्दी को थोड़ा सा भून के इसमें डालेंगे पानी, अच्छे सात सीटी लगवाएंगे, आठ सीटी, पूरा गल के सब मार हो जाएगा। देखिए ये गया पानी निमिट भर, अब देखिए कुकर के हिसाब से देंगे, अब इसमें आठ सीटी लगाएंगे। चलिए इसको लगाते ढक्कन, ये गया ए, आठ सीटी मार दिया। चलिए इसको उतारते हैं, मेरे यहाँ से ये लगता है सीज गया होगा, मुझे जहाँ तक मालूम है। चलिए इसको सीटी हवा निकलने के बाद ही मालूम चलेगा। चलिए इसको तड़का लगाने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। लाल मिर्ची नहीं है, इसमें क्या डालेंगे, देखिए क्या क्या डालता हूँ, दो तीन सामान डालेंगे। ये गया हींग, और देखिए ये गया जीरा, पर जीरा को अब देखिए आग लग रहा है। ये गया कड़ी पत्ता, अब देखिए गया कड़ी पत्ता, सांभर बन के रेडी हो गया, देखिए कैसा बना है। चलिए इसको निकालते हैं, दो बज गया, चलिए खाना खाते हैं। देखिए आपका भाई फर्स्ट बार सांभर बनाया हो, कैसा बनाया हो, खुशबू तो बहुत मस्त आ रहा है, देखिए खाने के बाद मालूम चलेगा कैसा खाने में लग रहा है, मुंह में छला पड़ गया ना, बोलने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है जी, कैसे कैसे मैं बोल रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। खुल जाओ, अब देखिए आहा क्या खुशबू है जी, पूरा गल के सब मार हो गया जी, वाओ। चलिए खाते हैं, शुरू करते हैं आज की कार्यक्रम। वाओ बहुत ही मस्त बना जी, अब बराबर बना कर खाएंगे। वाओ फौजी सर बोले थे, उनका कमेंट पे मैं बनाया तो अच्छा लगा खाने में जी, बहुत सुंदर बना है, तो बराबर बनाएंगे,
इमली रखते पाने तो और खाने मजा आता है। इमली इमली होता है, आम आम होता है, आम डाले उतना खट्टा नहीं हुआ। देखिए मूंगा खाने बड़ा मत लग रहा भैया लोग, अभी आप लोग भी बना के खाइए, जैसा आपका भाई बनाया है उसी बनाइए, ज़्यादा इसमें मसाला भी मैंने दिया हूँ। हाँ देखिएगा वीडियो इसका तो इतना ना हेन दुनियादारी बोलेंगे आपको दिमाग लगेगा घूमने, समझे। इसका सामने चिकन मीट मछली सब फैला जी, खाने बड़ा टेस्टी लग रहा है। इसे प्रोटीन भी बहुत है, दाल है, सजना है, लौकी है, घिया है, आलू है। हेलो भाई लोग, आपका भाई अभी खाओगे लेटे हुए थे, एक भैया जी आकर बाइक का खाली हॉर्न मार रहे थे, तो यहाँ रोड हाईवे, हम सोचे कोई होगा भैया, तो सब्सक्राइबर भैया है मेरा, रोज वीडियो देखते हैं, तो भाई साहब घूम कर आए, कहा जी कहाँ से घूम कर आए? मैं आगे चौराहे से घूम के, 5 मिनट घूम के आए, मेरा गाड़ी देख लिए इन्हें लम्बर, सोचे भैया होंगे रजेश भैया, तो घूम कर आए, माँ को छोड़ के आए वहाँ पर ना, माँ जी आपका हुआ है ना, वहाँ पे छोड़ दिया। तो इनका घर हुआ बजापुर के बगल में है, का जी? बगल में। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू कोले। राजू कोले, भयंकर नाम है जी। चल चलते हैं, गन्ना का रस पीते हैं, भाई को भैया को पिलाते हैं। और सब ठीक है? ओ ठीक ही ठीक, सब मस्त है, सब मस्त। भाई को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब भी करो, भाई की वीडियो बहुत सही लगती। खाना जिस टाइम बनाते उस टाइम आदमी को मुंह में पानी आ जाता है यार, खाना क्या बना रहे यार। गन्ने का जूस, स्प्राइट, वाओ। मम्मी उठा करके आए हैं, क्या जाते आधे बजे को तो मिलते, उधर मैं बराबर आता हूँ। हेलो हेलो, अभी टाइम बच्चों का 10, सिलीगुड़ी के ड्यू हुआ था वो कैंसिल हो गया, एक घाव हो गया अंदर में, छाला पड़ेगा ना, बोलने मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, कैसे बोला मैं ही जानता हूँ जी। लगता है कल का ब्लॉग नहीं बनेगा, बहुत दर्द कर रहा है जी, तो आपको मैं बहुत मैं तकलीफ में बोल रहा हूँ। कल क्या होता है, कल तो संडे है, पता ना बाजार में क्या होता है, एक बार बढ़ जाता एक बार उड़ जाता है, बीच में 2 दिन पहले गाड़ी नहीं मिल रहा था, चलिए क्या कीजिएगा। देखिए सांभर बचा हुआ है, देखते रोटी में खाकर कैसा लग रहा है, और सांभर पहले बहुत टेस्टी बना जी, उंगली चचट कर खाए थे आज दिन में, वाओ। बहुत ही मस्त, बहुत ही सुंदर लग रहा है खाने में जी। लग गया मिर्ची, छला पड़ गया है। बहुत ही लग रहा है जी, बहुत कष्ट लग रहा है, देखते आँख से पानी आ रहा है, टप्पर भी खा रहा है। बहुत ही दर्द कर रहा है, देखिए कल क्या होता है, डीओ का आज तो डीओ होके कैंसिल हो गया, सोचे चले जाएंगे बिहार हो गए, गाँव होकर मैं जाते सिलीगुड़ी, घर तरह मैं जाते, घर भी घूम लेते चले जाते, भाई क्या कीजिएगा, ऊपर वाले सब हाथ में है, जब खाओ कब सोते हैं, अब करते हैं ब्लॉग के एंड, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, और भाई को इसी सपोर्ट करते रहिए, और भाई को ऊपर इसी प्यार बना रखिए। लव यू भाई लोग, गुड नाइट।